नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अनुषा प्रभाकरण है। 10 सितंबर हर साल सुसाइड प्रिवेंशन डे की तरह मनाया जाता है। इस दिन का मेन हेतु है आम जनता में सुसाइड प्रिवेंशन को लेकर जागरूकता फैलाना। इनसे अगर कोई व्यक्ति खुद को मारने की धमकी दे रहा हो या बार बार ऐसी बातें कर रहा हो कि मेरा जीवन सबके ऊपर बोझ है या मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। इसके अलावा कोई खुद को मारने के तरीकों की तलाश कर रहा हो, सोशल मीडिया पे ऐसे पोस्ट कर रहा हो कि जीवन की समस्याओं से निकलने का यही विकल्प है सुसाइड, या फिर बहुत कम उम्र में अपना वसीयतनामा बना रहा हो या अपने प्रियजनों को एक गुड बाय लेटर लिख रहा हो, तो हमें सतर्क हो जाने की ज़रूरत है। निराशा रहना, सतत उदासी रहना या छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाना, नींद या भूख का बहुत कम हो जाना या बढ़ जाना, या फिर नशीले पदार्थों का सेवन बहुत ज़्यादा बढ़ जाना, सही समय पर मदद करने से हम उस व्यक्ति के जीवन को बचा सकते हैं। तो इसके 4 स्टेप्स हैं, आस्क, लिसन, रेस्पॉन्ड और फॉलो। आस्क मतलब पूछिए, उस व्यक्ति को जाके मिलिए और कहिए कि मैं आपके लिए चिंतित हूँ, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ या मदद करना चाहती हूँ, क्या आपको खुद को मारने के विचार आते हैं? ये बात को क्लियरली पूछना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद लिसन, जब व्यक्ति अपने सुसाइडल थॉट्स के बारे में बात करता है तो उसको सहानुभूतिपूर्वक सुनिए, उसको क्रिटिसाइज ना करें, उसे जज ना करें, और सबसे बड़ी बात, उसको चुनौती तो बिल्कुल ना दें। उसके बाद रेस्पॉन्ड करते समय हमें शांत रहना है, पैनिकी नहीं होना है, उसे आश्वस्त करना है कि हम दोनों मिलकर एक ट्रेंड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल, जैसे कि एक साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को मिलने जा सकते हैं, जो हमें इस परिस्थिति का सामना करने का सही रास्ता बताएगा। मैं आपके साथ हूँ ऐसा उसे कहें और ऐसा उसे प्रतीत कराएं। फिर आखिरी में फॉलो अप, बाद में भी उस पर्सन के कांटेक्ट में रहे, उसे मिलने चाहिए, उसको फ़ोन पे या टेक्स्ट पे पूछिए कि क्या वो साइकेट्रिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की सलाह पर अमल कर रहा है या नहीं। आत्महत्या या सुसाइड जीवन की समस्याओं से बचने का विकल्प नहीं है। आत्महत्या को रोकना अक्सर संभव होता है और हमारा प्रयत्न छोटा हो या बड़ा, संघर्ष करने वालों को आशा प्रदान कर सकता है। धन्यवाद।